सिया राम संपूर्ण जगत में राम भक्ति चेतना का संचार करने हेतु शत कोटि हनुमान चालीसा अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए राम प्रतिष्ठा ऐप का निर्माण किया गया है। तो आइए जानते हैं इस ऐप का उपयोग हम लोग कैसे करें। राम प्रतिष्ठा ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन अथवा आईफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर राम प्रतिष्ठा ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। राम प्रतिष्ठा ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करिए। आप कभी भी इस आइकन से ऐप ओपन कर सकते हैं। अपनी पसंद की भाषा चुनिए। ऐप की भाषा कभी भी चेंज की जा सकती है। होम पेज में आपको अभियान एवं ऐप उपयोग की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होगी। ऐप का उपयोग करने के लिए साइन इन पर आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल द्वारा ओटीपी से अथवा गूगल एप्पल फेसबुक अकाउंट से साइन इन करने के विकल्प हैं। साइन इन हेतु मोबाइल का उपयोग करने पर ओटीपी द्वारा एंटर करें। अन्य विकल्पों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुल पाठ संख्या का संकल्प लीजिए। बिना संकल्प लिए भी आप आगे जा सकते हैं। जो भी आपने संकल्प लिया है उसकी संख्या को आप सेव कर लीजिए। राम प्रतिष्ठा ऐप इंस्टॉल करने के पहले भी जो आपने पाठ किया है उसकी संख्या को अर्पण करने का विकल्प है इसमें। अर्पण पेज पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करके अर्पण करिए। प्लस या माइनस बटन के द्वारा अथवा सीधे टाइप करके संख्या चुनने का विकल्प है कि आपने कितनी बार पाठ किया है, वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अर्पण करें पर क्लिक करके पाठ संख्या को रक्षित करें यानी सेव करें। पेज पर जाने के लिए ऊपर दाहिनी ओर आपके नाम के प्रथम अक्षर वाले आइकॉन पर क्लिक करें। सेटिंग पेज पर आपको प्रोफाइल अपडेट, मेरा संकल्प, पुरानी पाठ संख्या, भाषा का चयन करें, सहायता, इवेंट्स एवं समूह, प्रचार सामग्री आदि दिखाई देगा। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को एक ही डिवाइस ऐप के माध्यम से रजिस्टर कर उनकी पाठ संख्या उनके नाम से अर्पण करने का विकल्प है। इसके साथ ही समूह में, मंदिर में, भगवत कथा, पारिवारिक या संस्थागत आयोजनों में हनुमान चालीसा पाठ कर उसकी संख्या अर्पण करने का भी विकल्प है। राम प्रतिष्ठा ऐप के माध्यम से समूह अथवा कार्यक्रम का पंजीयन करने का विकल्प है। समूह पंजीयन हेतु उनका ऐप के माध्यम से फॉर्म भरें एवं पाठ संख्या अर्पण करें। लाइब्रेरी में आपको वीडियो, ऑडियो एवं पाठ करने हेतु हनुमान चालीसा लिखित रूप में 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ऑडियो बैकग्राउंड या लॉक स्क्रीन में भी चलाया जा सकता है। स्वचालित आवृत्ति यानी इन लूप प्लेइंग का विकल्प है। ऑडियो वीडियो की एक आवृत्ति पूर्ण होने पर पाठ संख्या अपने आप सेव हो जाती है। लिखित हनुमान चालीसा के अक्षर को प्लस बटन से बड़ा व माइनस बटन से छोटा करने का विकल्प है। लाइब्रेरी में इसके साथ लेटेस्ट इवेंट्स, हनुमान चालीसा के अर्थ के वीडियो, हनुमान चालीसा विवरण लिखित अर्थ के साथ, हनुमान कथा वीडियो, संत वचन वीडियो भी उपलब्ध है। हम सभी शत कोटि हनुमान चालीसा अभियान में सहभागी बने। संकल्प पूर्ण करने वाले प्रत्येक साधक का नाम उनकी पाठ संख्या के साथ एक पोथी बनाकर राम प्रतिष्ठा के दिन श्री राम लला के चरणों में अर्पित की जाएगी। तो आइए आरम्भ करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ।